अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं और आपको कहीं और स्टॉप करना पड़ रहा है और एक हफ्ता क्वारंटीन करके आपको वहां से वापस डोमेस्टिक फ्लाई करना है सो तो आपको आइडिया नहीं कि हम कैसे फ्लाई करें तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा गुड मॉर्निंग गाइज़ सुबह के बज रहे हैं साढ़े पाँच और uh, मैं अनुकृति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर आप सोच रहे हैं कि मृति सुबह सुबह क्यों उठ गई क्योंकि अभी भी हम लोग जेट लैग वाले फेज में चल रहे हैं लाइक रात को नींद नहीं आती है और सुबह सुबह नींद आने लगती है पाँच दिन हो चुके हैं हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि सुबह थोड़ा सा सो जाए रात को ज़्यादा सो जाए पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है और पाँच दिन से ऐसे चल रहा है मैं कल रात को सात बजे सोई थी और रात के दो बजे पे उठ गई और तब से मैं जगी हुई हूँ सो येस कल हमारी फ्लाइट है मुंबई के लिए और ये फ्लाइट भी है एयर इंडिया की चूंकि मुझे मिली है वंदे भारत मिशन के अंदर अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं और आपको कहीं और स्टॉप करना पड़ रहा है और एक हफ्ता क्वारंटीन करके आपको वहां से वापस डोमेस्टिक फ्लाई करना है सो so, आपको आइडिया नहीं कि हम कैसे फ्लाई करें तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा सो मुझे जाना है मुंबई और मेरी फ्लाइट थी शिकागो टू दिल्ली सो दिल्ली में उतरने के बाद हमें क्वारंटीन करना पड़ा सात दिन के लिए दिल्ली में क्योंकि Uh, सिर्फ वही लोग फ्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई वैलिड और वेरी सीरियस रीज़न हो जैसे कि किसी की फैमिली में डेथ हो चुकी हो जिसके पास छोटा बच्चा हो किसी को हेल्थ इमरजेंसी हो और आ, कभी कभी कुछ लोग सोच लगा कर भी निकल जा रहे हैं सो so, और दूसरा ऑप्शन है कि आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं अपने शहर के लिए लाइक like, अगर आपको दिल्ली या अगर आपको उत्तर प्रदेश या कहीं और जाना है और आपको बाय रोड ट्रैवल करना है सो आप बाय रोड जा सकते हैं उसमें कोई मनाही नहीं है लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पर लैंड किए हैं दूसरी फ्लाइट ले ली और आपका कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो शायद वो आपको लिए मुश्किल हो सकता है और आप नहीं ट्रैवल कर पाए तो जब हम लोग एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो लाइक कोई क्लियरली इस बारे में बात नहीं कर रहा था और जब हम लोग काउंटर पे पहुंचे तो वहाँ पे ये पता चला कि कैसे कैसे कौन कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है सो so, हमारे पास कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं था और मुंबई हमें बाई रोड ट्रैवल नहीं करना था क्योंकि वो ट्वेंटी फोर आवर्स है यहाँ से तो इसके लिए हम लोग दिल्ली में रुके और सात दिन हमने वहाँ पे क्वारंटाइन किया कल सात दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सो so, जब मैंने यहाँ पर लैंड किया और यहाँ पर हम लोग रुक गए तो हुआ कि अभी नेक्स्ट फ्लाइट कैसे हम बुक करें और उसके लिए जब मैं गूगल कर रही थी तो स्पाइस या एयर इंडिया या और भी जो फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर आ, उनका आ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल फ्लाई किए हैं हमारे पास जो लगेज है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें इंटरनेशनली तेईस किलो के की दो बैग अलाउड होते हैं और सात किलो कैबिन में अलाउड होता है तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ से बैग लेकर आए थे और अभी डोमेस्टिक में ये है कि आप बीस किलो का एक बैग लेके जा सकते हो और एक सात किलो का बैग लेके जा सकते हो कैबिन में तो हम लोग क्योंकि दो लोग हैं हमारे पास दो एक्स्ट्रा बैग्स हैं जो कि है उन्नीस उन्नीस किलो के दो एक्स्ट्रा बैग्स हैं सो so, uh, मैंने एयर इंडिया को फ़ोन किया कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल फ्लाई करें हमारे पास लगेज ज़्यादा है कोई डिस्काउंट या uh, ऐसा क्योंकि हम सेम लाइक सेम कंपनी एयर इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों बैग लेके फ्लाई कर सके साथ में तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका पीएनआर नंबर अलग है

जो टिकट है आपका बैग उससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है एक बैग एक्स्ट्रा ले जाने का सो so, मैंने सोचा कि शायद एयर इंडिया एक्सपेंसिव है मे बी कुछ और ट्राई करते हैं एंड ऑल बट सारे आई uh, मीन I mean, सारे एयरलाइंस का यही था किसी किसी का 500 था किसी का 400 था और सबका uh, जो उनकी एक्चुअल टिकट का रेट था uh, बैग का रेट उससे ज्यादा हो रहा था सो आई वॉज लाइक अपसेट क्योंकि मेरे पास दो बैग थे और दो बैग के मेरा अठारह हो रहे थे सिर्फ एक्स्ट्रा बैग ले जाने के लिए सो so, मेरे फादर ने कहा कि अगर बैग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसा लगे कि उसकी वैल्यू नहीं है उसे फेंक दो और ऐसे ही आ जाओ सो so, अभी वो भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हम लोग उतनी दूर से आए हैं और सामान यहाँ पर हम फेंक दें सो so, लाइक बहुत सर्च करने के बाद तकरीबन दो घंटा सर्च करने के बाद मैंने सोचा जरा वंदे भारत से भी चेक कर लिया जाए तो जब मैंने वंदे भारत चेक किया तो उसमें भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं एंड uh, वहाँ से uh, मुझे एक शीट मिली जिसपे कि अगर आप इंटरनेशनली uh, फ्लाई कर रहे हैं एंड आपको कहीं और रुकना पड़ रहा है आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर आप नहीं जा पा रहे हैं एंड आपको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है बीच में तो अगर आप वंदे भारत मिशन के अंदर फ्लाइट बुक करते हैं एंड फोर्टी एट आवर्स के अंदर आपकी क्वारंटाइन खत्म होने के बाद सो so आपको आपके बैग ले जाने का चार्ज नहीं लगेगा दैट मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है आपने जैसे फ़ौरन uh, से ट्रैवल किया था बिल्कुल वैसे ही ट्रैवल कर सकते हैं एंड फटाफट मैंने फिर जाके अपनी टिकट बुक की सो so, अगर आप डोमेस्टिक बुक कर रहे हैं आ, कोई भी फ्लाइट एयर इंडिया की तो वो भी अराउंड सेवन थाउजेंड नाइनटी नाइन की है so, अगर आप इवैकेशन फ़्लाइट के अंदर कर रहे हैं जो वंदे भारत मिशन के अंदर आप बुक कर रहे हैं तो भी आपको उतना ही पे करना है सेवन थाउजेंड नाइन्टी नाइन और जिन लोगों को ये बात पता नहीं और वो लोग सोच रहे हैं कि डोमेस्टिक कैसे फ्लाई करेंगे क्योंकि बैग का जो इशू है बहुत थोड़ा गंभीर इशू है क्योंकि आई मीन अगर तीन चार हज़ार होते तो पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर सीधा आपके टिकट से भी ज़्यादा पे करना है तो आप ज़रा माइंडफुल रहिएगा तो जब मैंने सर्च किया मुंबई के लिए दिल्ली टू बॉम्बे फोर्थ को क्योंकि मेरा क्वारंटाइन फोर्थ को ख़त्म हो रहा है तो उस दिन तीन फ्लाइट फ्लाई करें जिसमें से एक सोल्ड आउट हो चुकी थी दो फ्लाइट में अभी भी जगह थी तो मैंने बुक की है मेरी साढ़े पाँच से साढ़े सात वाली एंड ये कल हमारी फ़्लाइट है एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको आइडिया नहीं है कि कैसे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करें सो प्लीज़ आप वन भारत मिशन के अंडर जाइए और वहां से आप डोमेस्टिक फ्लाइट बुक कर सकते हैं सो दैट्स ऑल एंड आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो हैप्पी जर्नी एंड हैव अ गुड डे थैंक यू